ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड काफ़ी सारी कमेंट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में है। बेसिकली जो आप ट्रांसफॉर्मर मेरे पास देख रहे हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अब इन्हीं का यूज स्टेप अप में भी किया जाता है, वो कैसे और इसमें साथ में आपको ट्रांसफॉर्मर का इनपुट और आउटपुट कैसे पता करें, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे पता करें, तो ये भी आपको सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और इस वीडियो का लाइक एम रहेगा 400 लाइक का, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। अब इसको शेयर करना है ताकि और लोगों को भी सीखने के लिए मिल सके, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो ट्रांसफॉर्मर रखे हैं, एक 12012 आउटपुट करता है और यहाँ पर एक में 10 वोल्ट और एक में 12 वोल्ट आउटपुट होती है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है इनपुट 220 वोल्ट एंड आउटपुट एक तरफ से 12 वोल्ट एक तरफ से 10 वोल्ट हमारी आउटपुट करती है, सॉरी यहाँ से 12 वोल्ट और इन दोनों से 10 वोल्ट आउटपुट करती है। ये तो मुझे पता है कि ट्रांसफॉर्मर में ये वायर आउटपुट करती है ये वायर इनपुट करती है, लेकिन आप लोग पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले वही बताऊँगा फिर आपको ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले बता देता हूँ आपको। 220 वोल्ट इनपुट और 10 या 12 वोल्ट आउटपुट होता है, मतलब स्टेप डाउन करके वो आउटपुट देता है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप में कैसे यूज करें, मतलब इस ट्रांसफॉर्मर को हम कम वोल्टेज इनपुट देके ज़्यादा वोल्टेज कैसे आउटपुट ले सकते हैं, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बहुत ही सिंपल मेथड रहेगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम इनपुट और आउटपुट का कैसे पता करें। सिंपल सा मैं एक ट्रांसफॉर्मर ले सकता था जिसमें दो आउटपुट दो इनपुट होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको वायर दिख रहे हैं, सिंपल से 4, 2, 6 वायर यहाँ पर आपको इस ट्रांसफॉर्मर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इनपुट आउटपुट कैसे पता करना है सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को ले लिया है, मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी की रेंज में या फिर बजर या फिर आप बीप मोड में रख लीजिए। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर मेरा जो ज़्यादा फोकस रहेगा स्टेप अप और स्टेप डाउन पर रहेगा, और साथ ही आपको चेक करना भी बता दूंगा, तो ये चीज़ भी आप सीख लेंगे जिन्हें नहीं आता होगा। बाकी आप स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट आप स्टेप पर जा सकते हैं, फिलहाल जिनको नहीं आता वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर दो पीले, दो लाल और दो यहाँ पर नीले हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ये हमेशा याद रखनी है, जिन दो वायर पर आपको कंटिन्यूटी बीप सुनाई दे या फिर बहुत कम रजिस्टेंस जिन दो वायर का आपको दिखाई दे, यानी कि जिसमें बहुत कम ओम्स आपको शो करे या फिर जिसमें बहुत कम वैल्यू आपको दिखाई दे दो वायर पे या फिर कंटिन्यूटी आए, तो वो जो वायर होता है हमारा आउटपुट का होता है। जिनमें कम रेजिस्टेंस आए वो आउटपुट का और जिनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा वो इनपुट का, ठीक है। अब यहाँ पर दो पीले वायर को मैं यहाँ पर चेक करके देखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक तो कंटिन्यूटी बीप सुनाई देगा, दूसरा आपको यहाँ पर 6 ओम्स दिखा रहा है, ठीक है, दो पीले वायर्स में 6 ओम्स दिखा रहा है। तो 6 ओम्स दिखा रहा है तो इसका मतलब ये आपका आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट वही होगा जिसमें सबसे कम आपको ओम्स दिखाई दे। अब ये दो जो लाल वायर हैं इसमें हम चेक करते हैं इसमें क्या वैल्यू बता रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यू बीप तो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन इसमें ओम्स कितने दिखा रहा है, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, इसमें 72 करके दिखा रहा है, उसमें 6 और इसमें 72, ठीक है, याद रखेंगे 6 और 72। अब ये नीले वाले वायर हैं इनमें हमने चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए कितना, 1 या 2 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस इन वायर का इस पेयर का दिखा रहा है। तो एक पेयर में हमें 1 ओम्स, एक पेयर में 6 ओम्स, एक पेयर में 72 ओम्स दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा ओम्स किस में दिखा रहा है, वही हमारा 220 वोल्ट इनपुट का होगा, मतलब यहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा ओम जिसमें दिखाएगा वहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट कर सकते हैं। तो दो जो यहाँ पर लाल वायर दिख रहे हैं यहाँ से हमारा इनपुट रहेगा और आउटपुट ये पेयर जो पीले वाले पेयर हैं और ये नीले वाले पेयर हम तो हमें इससे आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो पीले वाले पेयर हैं उसमें कितना आपको मिलेगा, यहाँ पर मैंने लिखा भी था इसमें जो येलो वाले थे उसमें आपको 10 वोल्ट मिलेगा आउटपुट और बी मतलब ब्लू वाले में आपको 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। तो आप 220 वोल्ट यहाँ पे जब देंगे तो आउटपुट में आपको जितना मैंने बताया था उतना आपको मिलेगा। अब यहाँ पर ये तो लोकल वाले ट्रांसफॉर्मर रहता है, बाकी जो कंपनी के ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें लिखा रहता है कि आउटपुट इनपुट कौन सा रहता है, ठीक है। वैसे एक और ट्रांसफॉर्मर है 12012 का, यहाँ पर तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये इनपुट की होंगी और ये 3 आउटपुट की होंगी, बीच का 0 है, इधर इधर का 12012 है, ठीक है। फिर भी आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं चेक जरूर करवा के दिखाऊँगा। यहाँ पर ये दो पेयर आपको वायर के दिख रहे हैं, इनका रजिस्टेंस हम चेक करेंगे, देखिए इसमें कितना आ रहा है, 188, ठीक है, 188 इसमें आ रहा है और
यहाँ पर कितना आ रहा है। ठीक है, पहले हम ज़ीरो में 12 को टच करेंगे, मतलब बीच वाली वायर में हमने ब्लैक वाला लगा लिया है और एक तरफ की लाल वाली में हम इसको टच करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल बीप साउंड आ रहा है, मतलब कंटिन्यूटी आ रही है, रेजिस्टेंस बहुत कम दिखा रहा है, इसका मतलब ये हमारा आउटपुट का है। तो यहाँ पर से जो वोल्टेज निकली स्टेप डाउन होके निकलेगी। अब इस तरफ वाले लाल पे टच करता हूँ, कॉमन वही हमारा वाइट वाला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 5 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 12 0 12 का है। अब देखिए एक चीज़ ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड बहुत सारी हमारे पास जब कमेंट आती, एक सवाल का उत्तर आपको यहीं पर देता हूँ मैं। ये आउटपुट में 12 0 12 कर रहा है, ठीक है, बीच का ये 0 है, ये 12 है, ये 12। अगर आपको 12 0 12 के ट्रांसफॉर्मर से 24 25 के अप्रोक्स चाहिए तो आपने करना क्या है, 0 को हटा देंगे और ये 12 12 से आप आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, दो जो रेड वायर दिख रही है ना, इससे आप आउटपुट ले लेंगे, तो 12 ये 12 ये 12 दोनों 24 आपको आउटपुट में मिल जाएगा, 24 वोल्ट इन दोनों में आपको टच करने पे मिल जाएगा। बीच का आपने ये वाला हटा लेना है। अगर आपको 12 0 चाहिए, मतलब 12 0 चाहिए, तो वाइट के साथ रेड को अटैच कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको 12 0 इन दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों में 12 0 आपको मिल जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई चीज़ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा कमेंट पर। तो यहाँ पर इतनी बारीकी से समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको पहले कभी किसी ने बताया ना हो, लेकिन सीखते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो और भी आगे लाते रहेंगे, लाइक ज़रूर करना। अब यहाँ पर देखिएगा 12 0 में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 12 वोल्ट मिलेगा, और इन दोनों में क्या मिलेगा आपको 24 वोल्ट मिलेगा, एक तरफ 12 दूसरी तरफ 12, मतलब 12 दूनी आपको 24, ये दो रेड वायर पे मिलेगा। तो इसको आपने 24 वोल्ट के लिए यूज़ करना है, तो इन दोनों वायर को आप उठा लेंगे। बाकी 12 0 12 जो होम थिएटर वगैरह होते हैं, जो इन्वर्टर के सर्किट होते हैं, इनमें आप 12 0 12 का ये वाला यूज़ कर सकते हैं तीनों का। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने बता दी, इनपुट और आउटपुट का ऐसे आप पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप डाउन और स्टेप अप में कैसे यूज़ करें। अब ये दोनों जो ट्रांसफार्मर है, ये तो हमारे स्टेप डाउन है, अब स्टेप अप में ऐसे इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर चलिए एक ट्रांसफार्मर और दिखा देता हूँ जो कि 12 0 का है। अब यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर भी मैं लेके आ गया हूँ, ये हमारा 12 और 0 का है। ठीक है, मान लिया जाए इसमें हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं, तो स्टेप डाउन करके हमें 12 वोल्ट अप्रोक्स दे देगा, वैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ओरिजिनल ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें बिल्कुल लिखा रहता है इसमें कौन सी वायर कौन सी है, कौन सी वायर कौन सी। ठीक है, इनपुट 230 वोल्ट इसमें आप इनपुट दीजिए, और वाइट ब्लैक जो है आपका इनपुट वाली रहेगी, यानी कि ये जो वाइट और ब्लैक है इसमें आप इनपुट दे सकते हैं 230 वोल्ट। और आउटपुट कहाँ से लेंगे, आउटपुट कहाँ से लेंगे, 12 वोल्ट आपको मिलेगा, 1.6 एम्पीयर के आसपास मिलेगा, ब्लू और ब्लू वाले आपके आउटपुट हैं। फिर भी आपको चेक करवा देता हूँ ब्लू और ब्लू कंफर्म करने के लिए, क्योंकि कंपनी द्वारा तो वही ओके टेस्टेड माल आपको भेजा जाता है, फिर भी टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ। यानी कि इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस, आउटपुट में सबसे कम रेजिस्टेंस आना चाहिए। वीडियो बोरिंग लग रही है या फिर आपको लंबी लग रही हो या फिर आपको सीखने को नहीं मिल पा रहा हो, समझ में नहीं आ पा रहा हो, आप छोड़ सकते हैं। जिन्हें समझ में आ रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, तो बिल्कुल देख सकते हैं। अब देखिए आउटपुट में जो ब्लू वायर है उसमें कम रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब ही आउटपुट है, कम रेजिस्टेंस वाला आपका आउटपुट और ये वाला आपका इनपुट। देखिएगा ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, ये हमारा इनपुट करेगा, ये यहाँ पर लिखा है, उसी के हिसाब से मैंने आपको चेक करके भी दिखा दिया। अब यहाँ पर इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो है, अब स्टेप अप इसमें कैसे करवा सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए अब यहाँ से हम 220 वोल्ट देंगे तो यहाँ से हमें 12 वोल्ट मिलेगा, ये कन्फर्म है। अगर यहाँ से आप 12 वोल्ट एसी, मतलब एसी जो आपका आ रहा है, डीसी नहीं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में आपको इनपुट एसी देते हैं तो आउटपुट में भी एसी ही मिलेगा, डीसी नहीं मिलेगा। डीसी के लिए आपको कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ता है, फिलहाल यहाँ से आपको एसी वोल्टेज मिलती है। अब यहाँ से अगर एग्जाम्पल के लिए आप 12 वोल्ट एसी यहाँ से आप इनपुट देते हैं आउटपुट से, ठीक है, यहाँ से आपका आउटपुट 12 वोल्ट मिल रहा है। अगर यहाँ से आप रिवर्स 12 वोल्ट एसी देते हैं तो यहाँ पर आपको कन्फर्म 230 वोल्ट आपको एसी मिलेगा, ठीक है। तो इसी को आप स्टेप अप में यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया। यहाँ से नॉर्मली इसका जो काम है इस ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन करने का है, तो इनपुट में आप 220 वोल्ट देंगे तो आपको आउटपुट में 12 वोल्ट एसी मिलेगा, बिल्कुल कन्फर्म है। अगर बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया, यानी कि 12 वोल्ट एसी आप इसके आउटपुट में दे दें जहाँ से हमारा इनपुट निकल रहा है, तो वहाँ पर उल्टा हम 12 वोल्ट एसी दे दें किसी भी सोर्स से, ये ऐसा इन्वर्टर में यूज किया जाता है। तो इसको अगर इस तरीके से जोड़ दिया जाए, यहाँ पर 12 वोल्ट एसी दे दिया जाए, तो यहाँ पर जो आपका 220 वोल्ट जो इनपुट की वायर है वहाँ पर आपको 220 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, स्टेप अप होके मिलेगा। अब प्रैक्टिकली आपको बताऊँ तो और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे।
अब यहाँ पर इसका पूरा सेटअप मैं तैयार करता हूँ। देखिए ये 12012 का है, आपको कंफर्म एक बार मैं चेक करवा के दिखा दूँ, तब जाके आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट में इनपुट करता हूँ, ठीक है, 220 वोल्ट में इनपुट करता हूँ और आउटपुट मैं आपको चेक करवा के दिखा दूँगा। तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था, ठीक है, इसमें एसी में आपको जो भी वोल्टेज मिलेगी एसी में मिलेगी। सबसे पहले इसको मैं करता हूँ 600 वोल्ट एसी में सेट करता हूँ। सारा काम यहाँ पर एसी वोल्टेज का ही रहना है। और यहाँ पर आपको चेक करके दिखाता हूँ कितना वोल्टेज अभी आपको, सॉरी एक मिनट, अच्छी तरीके से टच करूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए 230 वोल्ट हमारी एसी अभी इनपुट हो रही है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑन है, हमिंग की आवाज़ आप सुन सकते हैं। हर कोई ट्रांसफार्मर हमिंग नहीं कर सकता, कोई कोई ट्रांसफार्मर आपका हमिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं आप, हमिंग की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। अब यहाँ पर आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है, सबसे पहले आपको जीरो वाली वायर, देखिए यहाँ पर करंट नहीं लगता, आप सोच रहे होंगे करंट, अगर हाँ ट्रांसफार्मर में लीकेज है तो आपका कंफर्म करंट बाहर लगेगा, लीकेज नहीं होना चाहिए ट्रांसफार्मर, तो आपको बाहर आउटपुट पर करंट कोई भी नहीं लग सकता, देखिए बिल्कुल भी आपको करंट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए एसी में हमारा सेट है, तो यहाँ पर जो जीरो वाली वायर है यानी कि वाइट वायर है, इसको मैं ब्लैक पे अटैच करता हूँ। अब यहाँ पर एक तरफ की रेड वायर में इधर टच करके देखता हूँ कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो यहाँ पर 17 वोल्ट आपको मिल रही है। चलिए 200 वोल्ट पे सेट करता हूँ, देखिए 18.23 के आसपास मिल रही है। वैसे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, लोकल जो ट्रांसफार्मर होते हैं 12 वोल्ट के तो होते हैं लेकिन वो आउटपुट में ज़्यादा दिखाते हैं, लोड में पड़ने पर वो अपनी वोल्टेज कम कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 18 वोल्ट आउटपुट ये कर रहा है। चलिए अब दूसरी वायर में चेक करते हैं, दूसरी वायर में कितना वोल्ट आउटपुट कर रहा है, तो यहाँ पर 17.34 कर रहा है। मतलब ये जो लोकल ट्रांसफार्मर होते हैं ऐसे ही, इसमें कोई एक्यूरेट आपको बाहर आउटपुट नहीं मिल पाता, इसीलिए लोकल ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस है आपको अच्छी नहीं मिलती। फिलहाल यहाँ पर वोल्टेज चेक करने की बात आती है, तो एक तरफ से आपका 17.5 और एक तरफ से आपका 18.5 आपका आउटपुट हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अब ये जो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, अगर इसमें हम रेड और रेड, जीरो को हटा के रेड और रेड में वोल्टेज चेक करें तो आपको दुगना यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेगा, देखिए कितना 36, 18-19, 36 के आसपास आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, कन्फर्म है। तो अगर 36 वोल्ट का कभी आपको ट्रांसफार्मर बनाना है तो यहाँ पर इन दोनों वायर को आप 12012 की वायर को आप टच कर लीजिए, वहाँ पर आपको दुगनी वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 36 वोल्ट आपको मिल रही है। अब बात करते हैं स्टेप डाउन, तो आपको मिल गया, यहाँ से आपने 220 वोल्ट इनपुट करी, यहाँ से आपको आउटपुट स्टेप डाउन करके यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ पर स्टेप अप कैसे करेंगे, देखिए सिंपल ही है, ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये है 12 वोल्ट का, ठीक है, 12 वोल्ट का, चलिए ये वाला दिखाता हूँ। अब ये जो ट्रांसफार्मर है आपका, ये वाला जो है आपका, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी मैं एक बार चेक करवा के दिखा दो, स्टेप डाउन कैसे करता है ये भी चेक करवा के दिखा दो, वरना काफ़ी सारी ऐसी कमेंट आती है सर ये फेक वीडियो है वगैरह वगैरह है ना। चलिए सबसे पहले वही आपको करके दिखा देता हूँ, चलिए इसको हटा दिया मैंने, अब इसको मैं स्टेप डाउन करवा के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो इसकी इनपुट थी, मैंने आपको बताया था ना रेड वाली इसकी इनपुट वायर है, ठीक है, तो रेड में मैं 220 वोल्ट इनपुट करा देता हूँ, 220 वोल्ट यहाँ पर इनपुट करा देता हूँ, और आउटपुट में हमें कितनी मिलेंगी, क्योंकि इसमें दो आउटपुट आ रही है हमारी 10 वोल्ट की और 12 वोल्ट की, ये आपकी 12 वोल्ट है, ये पीली वाली पेयर आपकी 10 वोल्ट की है। तो यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा सा मैं दूर कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर वायर एक दूसरे से अटैच ना हो, खतरा हो सकता है, यहाँ पर आप इसको सीरीज में हमेशा चलाइएगा, ठीक है। चलिए इसको मैंने ऑन कर लिया, इसकी हमिंग आप सुन सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कम हमिंग आ रही है। अब इसमें आउटपुट में कितनी मिल रही है, सबसे पहले आपको चेक करके दिखा दो, सबसे पहले इनपुट चेक करूँगा उसके बाद आउटपुट, ठीक है, इनपुट पे चेक करते हैं, एक मिनट, अच्छी तरीके से टच नहीं, देखिए इनपुट में हमारे को 231-32 वोल्ट इनपुट कर रही है, मतलब 230 वोल्ट के आसपास हमारे को इनपुट कर रही है। अब आउटपुट कितना दे रही है, आउटपुट में चेक करेंगे, चलिए 200 एसी में सेट करना है, ठीक है, डीसी नहीं देता ये, सिर्फ एसी देता है। अब यहाँ पर चेक करते, चलिए यहाँ पर कितना दे रहा है, 14 वोल्ट, देखिए 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 14 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, कोई बात नहीं, लोड में पड़ने पर 12 वोल्ट ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 वोल्ट आपका आउटपुट कर रहा है। अब यहाँ पर ये कौन सा है, ये कौन सा है, 10 वोल्ट का बताया था मैंने इसको, अभी पता चल गया कितना वोल्ट आउटपुट कर रहा है, 10 वोल्ट वाला 11 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, ठीक है, कितना
11 वोल्ट के आसपास आउटपुट कर रहा है, 11.5 मतलब 12 के आसपास आउटपुट ये कर रहा है। अब देखिए ये तो मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया, दोनों ट्रांसफार्मर आपके स्टेप डाउन करके दे रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेप अप कैसे करेगा, सबसे पहले मैं इसको बंद कर लूँ और आपको बता देता हूँ। अब समझिए यही चीज़ आपके लिए सबसे मेन चीज़ है। ये आपका कितना 11 मतलब 12 वोल्ट ये आपका आउटपुट कर रहा है, जिसमें से 14 रीडिंग आ रही थी, मतलब 12 वोल्ट की वायर ये है, यानी कि 12 वोल्ट यहाँ पर से आपको मिल रहा है। ये ट्रांसफार्मर ले लूँगा जिसमें से क्लियरली देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ से हमारे को ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हम 220 वोल्ट देते हैं तो नीली वाली वायर से हमें 12 वोल्ट कितना आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पर हम ये जो है आउटपुट दे रहा है और इसको हम 12 वोल्ट की वायर में 12 वोल्ट की वायर को जोड़ लेंगे, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर लेना, आपको बता दूंगा, फिर आपको मैं इसको जोड़ के बताऊंगा। अच्छी तरीके से देखिए, ये हमारे को 220 वोल्ट से स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट दे रहा है ये वाला ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से जो 12 वोल्ट आउटपुट की वायर थी उसको हमने इनपुट बना लिया है अब स्टेप अप करने के लिए। ये जो इसकी आउटपुट की वायर है जहाँ से हमारे को 12 वोल्ट आउटपुट मिलता है, अब वहाँ से हम 12 वोल्ट एसी को इनपुट कराएंगे इस ट्रांसफार्मर की वायर के माध्यम से। तो ये जो वायर है अब इसमें हमें कितना मिलेगा, हम इसमें 220 वोल्ट इनपुट करते हैं तो मतलब हमें अप्रोक्स यहाँ पर एसी आउटपुट मिलेगा इनपुट के वायर में। अब हमें आउटपुट मिलेगा, अब स्टेप अप होके आउटपुट मिलेगा इसमें। अब कितना मिलेगा वो तो मैं आपको चेक करवा के ही बताऊंगा, उसमें से आपको CFL LED जो भी रहेगा आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक वायर को छूने पर कोई करंट नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर लीकेज नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। ट्रांसफार्मर लीकेज रहेगा तो आपको शॉक लग सकता है, क्योंकि हाई वोल्टेज ये ट्रांसफार्मर आउटपुट करेगा, इतना आपने ज़रूर ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं पूरा सेटअप तैयार कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसमें एक सॉकेट लगा लिया है, जहाँ से हम 220 वोल्ट देते हैं ना उसमें मैंने आउटपुट ले लिया है और एक सॉकेट यहाँ पर लगा लिया है। और यहाँ पर देखिए आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ से स्टेप डाउन होकर 12 वोल्ट हमें इस पर मिल रहा है और 12 वोल्ट जो इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट थी अब हमने उसको इनपुट बना लिया है, उल्टा बिल्कुल उल्टा, ठीक है, बिल्कुल उल्टा इसको इनपुट बना लिया है। अब 12 वोल्ट यहाँ पर एसी इनपुट होगी इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से, और अब यहाँ पर इस वायर में हमने 220 वोल्ट पहले इनपुट देना था, अब हमें उल्टा मिलेगा, बिल्कुल आउटपुट मिलेगा 230 वोल्ट के आसपास। मैंने इसको ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो ये चीज़ जो चीज़ शेयर करने लायक होती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चीज़ में आप एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, जो भी ट्रांसफार्मर लेंगे वो लीकेज नहीं होना चाहिए, वरना आपको आउटपुट में भयंकर करंट लग सकता है, क्योंकि आउटपुट अब ये 230 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। स्टेप अप करके 12 वोल्ट का स्टेप अप करके आपको 230 वोल्ट दे रहा है तो आपको यहाँ पर करंट लग सकता है, इसलिए आप कोई भी काम करें या फिर आप रबर के ग्लव्स पहन सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार इसको ऑन करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सॉकेट पे हमें कितना वोल्टेज आउटपुट अभी मिल रहा है स्टेप अप होके। मल्टीमीटर को 600 वोल्ट पे रख लिया है और फिर से आपको बता दूँ यहाँ पर हैवी यहाँ पर वोल्टेज आ रही है तो आप इसमें खतरा बिल्कुल मोल ना लें। तो यहाँ पर देखिए 272 वोल्ट एसी आपको यहाँ पर, इसको अच्छी तरीके से अटैच करता हूँ, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए अब बिल्कुल फिट हो चुका है, अब यहाँ पर 231 वोल्टेज के आसपास हमें यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर दिखाता हूँ जहाँ से इनपुट कर रही है वहाँ पर भी आपको 230 वोल्ट मिलेगी, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर 231, ठीक है, अब दिखेगी आपको कन्फर्म 236, ठीक है, इतना वोल्ट इसमें इनपुट करा। और यहाँ पर हमें स्टेप डाउन होके कितना मिला वो भी आपको दिखाता हूँ, स्टेप डाउन होके कितना मिला, अभी यहाँ पर करंट नहीं होगा क्योंकि आपको बता दूँ यहाँ पर अभी स्टेप डाउन होकर मिल रहा है, यहाँ पर करंट नहीं होगा, वहाँ पर करंट होगा जहाँ पे 230 वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना वोल्टेज मिल रही है स्टेप डाउन होके, देखिए 14 वोल्ट, इधर दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली पॉइंट में दिखाई देगा 14 वोल्ट, तो यहाँ पर देखिए 13.5-14 स्टेप डाउन होके अभी यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं चला कर दिखाऊँगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें से हमारा क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसा सेटअप आप घर पर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आप सेफ्टी ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं पूरी चीज़ें सुनिए और स्किप जब भी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं, इसलिए आप समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। इन्वर्टर के सर्किट में भी बिल्कुल यही वाली ट्रिक इस्तेमाल होती है, यही वाली बोले तो इतना वाला ट्रिक इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ से उधर को ट्रिक इस्तेमाल होती है। मतलब एक ट्रांसफार्मर के इनपुट में
12 वोल्ट एसी दे दिया जाता है किसके माध्यम से, मॉसफेट वगैरह के माध्यम से उसका पूरा सर्किट तैयार होता है जो उसमें मॉसफेट वगैरह लगे होते हैं इसीलिए लगे रहते हैं। तो मॉसफेट से वो 12 वोल्ट एसी बनाता है, 12 वोल्ट एसी से स्टेप अप करने के लिए वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो बिल्कुल यही वाला उसमें मेथड यूज होता है। अब इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको चला के, सबसे पहले एक एलईडी बल्ब जो आपको चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। एक एलईडी बल्ब जो कि हमारा 230 या फिर 250 वोल्ट से ऑपरेट होता है, यहाँ पर हाई वोल्टेज है इसलिए आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करें। हाँ, करना चाहते तो सेफ्टी वगैरह आप ज़रूर रखें, ग्लव्स वगैरह पहन लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एलईडी बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये एलईडी बल्ब यहाँ पर जल रहा है, देखिए जल रहा है ना बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें 230 वोल्ट मिल रही है। अब यहाँ पर एक बार 12 वोल्ट पे जो स्टेप डाउन हो गया उसमें एलईडी बल्ब चला के देखूँ, तो यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट इसको अच्छी तरीके से लगाऊंगा। तो देखिए 12 वोल्ट पे कुछ भी नहीं यहाँ पर मेरे को मिल रहा है, लेकिन स्टेप अप होके यहाँ पर एलईडी हमारा जल जा रहा है, देखिएगा। अब ये सॉकेट मैंने इस्तेमाल करा है, यहाँ पर एक डीडी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स मैं चलाऊंगा, अब देखूंगा कि यहाँ पर चलता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स हमारा देखिए ऑन हो गया है। अब वेट करते हैं इसके, हाँ देखिए ये ऑन हो चुका है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर 230 वोल्ट मिल रही है तो ये बिल्कुल चलेगा ही चलेगा। एक बार यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लगा के देखते हैं, ठीक है, 100 वाट का बल्ब भी लगा के देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक 100 वाट का बल्ब है, अब इसको मैं यहाँ पर चला के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं ये चल पाता है कि नहीं, अब कितना चलेगा क्या चलेगा वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। आपकी कमेंट्स के हिसाब से मैं वीडियो बनाता तो हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो फिर मज़ा नहीं है। तो यहाँ पर कम जल रहा है क्योंकि एम्पियर कम है, क्योंकि कम एम्पियर का आपका ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर जल तो रहा है लेकिन कम जल रहा है, देख सकते हैं आप बहुत कम यहाँ पर जल रहा है। अगर यहाँ पर लगभग हम 10 एम्पियर तक का अगर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो तब हमें यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर एम्पियर मतलब ज़्यादा यहाँ पर 100 वाट के बल्ब में लाइट देखने के लिए मिलती है। अगर यहाँ पर अगर हम ड्रिल मशीन को इस्तेमाल करें तो क्या होगा, एक बार वो भी चेक करके देख लेते हैं। एक ड्रिल मशीन यहाँ पर मैं चला के दिखा, थोड़ा सा इसको मैं अलग अलग कर लूँ, ड्रिल मशीन के लिए भी जगह बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगर मैं एक ड्रिल मशीन इस्तेमाल करूँ, इसे चलाने की कोशिश करूँ तो क्या वो चलेगी, तो चलिए इसमें प्लग इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको ऑन करके देखते हैं, यार चल तो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे स्पीड आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कम इसको प्रेस किया है तब कम चल रही है, आपको इस तरीके से दिखाऊँ पूरा सेटअप दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको पूरा प्रेस करता हूँ, देखिए ठीक है, ये पूरा प्रेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, पूरा प्रेस किया हुआ है। और इसको चलिए लॉक भी कर लेता हूँ, काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ये आधा ही दबा रहा है, ठीक है, इसको लॉक कर लिया, देखिए अब देख सकते हैं आप कितना कम यहाँ पर, चलिए इसको हाथ से हम एक बार घुमा के देखते हैं, इसको टॉर्क दे के देखते हैं, नहीं चल रही, बहुत कम स्पीड, देखिए बहुत कम यह चल रही है। इसका मतलब इससे ड्रिल मशीन नहीं चलेगी, बस सिंपल सी बात है, इसमें बहुत कम एम्पियर होता है, वोल्टेज तो आपको मिलती है लेकिन एम्पियर इसमें कम है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो कम एम्पियर का है, ज़्यादा एम्पियर का रहता तो यहाँ पर बल्ब भी जल जाता और ड्रिल मशीन भी आपकी चल जाती। तो ये ट्रिक कैसी लगी या फिर ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी जो भी है कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और आप शेयर करना, वीडियो को शेयर नहीं करते शेयर ज़रूर करना यार, ताकि और लोगों को भी सीखने के लिए इसे मिल सके। बहुत जल्द आपके लिए एक होममेड इन्वर्टर बनाने की वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आप 50 से ऊपर हमारे वीडियोज़ पर कमेंट आती हैं और कम से कम 400 से ऊपर लाइक आते हैं तो उसकी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए